आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरी क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सीट साइनोसोडियोली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ थ्री इंटू टेन रेज टू पावर नाइन हर्ट एंड हैविंग द एम्पलीट्यूड ऑफ सिक्सटी वोल्ट पर मीटर फाइन द वेव लेंथ ऑफ द वेव एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओके तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें एक इलेक्ट्रोमैगनेटिक है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्डर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेव एक्टर का वो हमें मैग्नीट्यूडन है e तो हमसे वेवलेंथ पूछा है उसका वेवलेंथ कितना होगा और एम्पलीट्यूड पूछा है मैग्नेटिक फील्ड का सो so, नोट की वैल्यू से पूछा है है okay. ओके तो यहाँ पे देखो हमें पता न्यू गिवन है, है पे और मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का गिवन है यहाँ पे और हमसे वेवलेंथ और क्या पूछा है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अब यहाँ पे देखो हमें फॉर्मुला पता है कि C क्या होता है न्यू लेमडा तो यहाँ से हम लेमडा इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं क्या आ जाएगा सीवाई न्यू के इक्वल और सी क्या होता है यहाँ पे हमारा स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट का हमें मालूम है थ्री इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी न्यू कितना गया बने यहाँ से थ्री इंटू में टेन रेज टू पावर नाइन तो थ्री से थ्री कैंसिल आउट ये ऊपर चला जाएगा कितना बचेगा माइनस का नाइन माइनस का वन बचेगा तो इसको लिख सकता हूँ पॉइंट वन मीटर तो यहां से हमारा जो है, lambda, वो आता है तो यहाँ से देखो हमें है कि ई नोट बाई वी नोट का जो रेशियो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है सी के तो यहां से अगर मुझे वी नोट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो इसको मैं क्या लिखूंगा ई नोट बाई सी और ई e नोट का यहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन है सिक्सटी मीटर तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 3 इंटू में टेनरेज टू पावर एट सो यहाँ से मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वो आ जाएगा 20 इंटू में टेनरेज टू पावर माइनस का 8 टेस्ला ओके okay, तो यहाँ से हमें देखो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी फर्स्ट हमें यहाँ पर वेबलेंथ बताना था ये जो साइनोसोडल वेब लेंथ साइनोसोडल वेब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका वेवलेंथ कितना होगा तो वो आता है पॉइंट वन मीटर के इक्वल